हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्न अभी आई एम शिवानी चौहान इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास सिक्स हिस्ट्री की बुक का चैप्टर टू फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड तो तुषार जर्नी तो तुषार जो है ना वो एक जर्नी पर जा रहा है कहाँ से दिल्ली से चेन्नई जा रहा है अपने कज़न की वेडिंग के ठीक है तो ट्रैवलिंग बाई ट्रेन एक मतलब ही हैड मैनेज टू स्क्वीज इन टू विंडो सीट तो अब उसको विंडो सीट पर बैठने का मौका मिल गया है और वो पूरा टाइम बाहर ही देखे जा रहा है उसने ट्रीज़ देखे हाउसेज़ देखे और किस तरीके से चीज़ें जो हैं वो पीछे चलती जा रही हैं वो उसको दिखी तो उसके अंकल ने उसके एकदम से शोल्डर पे टैप किया और कहा क्या तुम्हें तो पता है कि ट्रेन जो हैं आज से लगभग 150 फिफ्टी ईयर्स अगो डेढ़ सौ साल पहले जो है स्टार्ट हुई थी 150 फिफ्टी ईयर्स अगो और उससे पहले लोग कैसे ट्रैवल करते थे तो इसके बारे में ही हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारी जनरेशन है सदियों से वो डेवलप होती हुई आई है द अर्लीस्ट पीपल वाई वे ऑन मूव ठीक है तो जो पुराने लोग थे पुराने ज़माने में लोग क्यों एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे आज क्यों जाते हैं आज अपनी जॉब्स पर जाते हैं पढ़ने के लिए जाते हैं घूमने के लिए जाते हैं रिलेटिव्स को विजिट करने के लिए जाते हैं है ना तो पहले ज़माने में लोग क्यों घुमा करते होंगे जो इस सब कॉन्टिनेंट में मतलब हमारे देश में आज से लगभग टू मिलियन ईयर्स अगो लोग रहते थे वो क्यों घूमते होंगे उन लोगों को हम लोग क्या कहते थे आज से लगभग टू मिलियन ईयरस अगो जो लोग रहते थे यहाँ पर उन्हें हम हंटर गैदरर कहते थे हंटर गैदरर क्यों क्योंकि हंटर हंटर वो होते हैं जो हंटिंग करते हैं मतलब मारते हैं और गैदर मतलब इकट्ठा करना तो जानवरों को मार करके फल वगैरह इकट्ठा कर करके जो खाना खाया करते थे ज़िंदा रहा करते थे उन्हें हंटर गैदरर हम कहते थे नेम जो है ये आता है फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड तो ये हंटर गैदरर वही जैसे मैंने आपको बताया अभी कि किस तरीके से वो अपना खाना इकट्ठा करते थे इससे उनका ये नाम आता है वो जनरली वाइल्ड एनिमल्स की हंटिंग करते थे फिश बर्ड्स वगैरह फ्रूट्स नट्स सीड्स लीव्स इन सब को वो इकट्ठा करते थे और अपना जीवन जो है वो चलाते थे किसी तरीके से अंडा कैदर् जो है हमेशा एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे और इसके कई सारे रीजंस थे कि वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे पहला रीज़न ये था अगर वो एक जगह बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रहें तो वहाँ के जो रिसोर्सेज़ हैं सारे के सारे फ्रूट्स फल जानवर वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे इसलिए उनको खाने की तलाश में जगह जगह घूमना पड़ता था पहला रीज़न तो ये हो गया खाने की तलाश में उन्हें जगह जगह घूमना पड़ता था क्योंकि एक जगह के रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे टाइम के साथ सेकेंड रीज़न एनिमल्स भी जो हैं जगह जगह मूव करते रहते हैं या तो अपने खाने की तलाश में एनिमल्स मूव करते हैं या फिर जैसे कि और इन केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड जो घास खाने वाले जानवर है वो घास की खोज में घूमते रहते हैं और इसीलिए जो इंसान उनको हंट करता था उनको मार करके खाता था वो इंसान भी उनके पीछे पीछे घूमता रहता था ठीक है तो सेकेंड रीज़न ये हो गया थर्ड रीज़न ये हो गया प्लांट्स और ट्रीज़ जो हैं वो अलग अलग सीजन में फल देते हैं मतलब जैसे मैंगो गर्मियों में आता है, है ना और एप्पल ज़्यादा विंटर्स में आते हैं और वाटरमेलन गर्मियों में मतलब अप्रैल मार्च वाले टाइम में आता है तो इसी जो प्लांट्स और ट्रीज़ हैं ना उनमें फ्रूट्स सीज़न टू सीज़न आते हैं सो पीपल सीज़न टू सीज़न एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लगे थे फोर्थ क्या रीज़न है फोर्थ रीज़न है पीपल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव उनको पानी भी तो चाहिए ना जानवर हो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो कोई भी हो पानी जिंदा रहने के लिए चाहिए तो वाटर इज़ फाउंड इन लेक्स वाटर कहाँ का मिलता है तालाबों में मिलता है झरनों में मिलता है नदियों में मिलता है काफ़ी सारे रिवर्स और लेक्स जो हैं वो पेरेनियल होती थी पेरेनियल का मतलब है कि उसमें पूरे साल पानी होता था बट कुछ नदियाँ ऐसी भी होती थी जो सीजनल होती थी मतलब जब बारिश का मौसम होता था तभी उनमें पानी आता था तो उस जगह पर नदी सूख गई तो इंसान को पीने के लिए पानी कहाँ से मिलेगा तो उसको वहाँ से जाना पड़ेगा ठीक है इसलिए जो है लोग मूव करते थे कि मतलब अपने खाने के लिए मेनली आप देखेंगे खाने और पानी के लिए ही जानवर या इंसान मूव कर रहे हैं हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल अब हमें इन लोगों के बारे में कैसे पता लगता है आर्क्योलॉजिस्ट जो हैं उन लोगों ने काफी सारी चीज़ें पता करी हैं काफी काफ़ी सारी चीज़ें उन्हें मिली हैं हंटर गैदर के बारे में जो उन्होंने बनाई थी या फिर इस्तेमाल की थी हमें पता लगता है कि ये लोग जो हैं अपने टूल्स बनाते थे किसके पत्थर के टूल्स होता है औजार अपने औजार पत्थर के बनाते थे लकड़ी के बनाते थे या फिर हड्डियों के बनाते थे और इसमें से सबसे ज़्यादा जो स्टोन है पत्थर तो कभी खराब नहीं होता तो पत्थर जो है उस समय के आज तक बचे हुए हैं इनसे हमें पता लगता है कि वो किस क्या क्या यूज़ करते थे सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर यूज्ड टू कट मीट एंड बोन कुछ टूल्स जो है वो मीट को और हड्डियों को काटने के काम आते थे कुछ जो हैं ट्रीज़ का बार्क मतलब ट्रीज़ का जो ऊपर जो लेयर्स ही जम जाती है उसको निकालने के काम आते थे और कुछ एनिमल की हाइड्स हाइड्स होती है जो एनिमल की स्किन होती है ना एनिमल को मार के उसकी स्किन निकाल करके ओढ़ लो तो वो गर्म होती है उसके काम आते थे कुछ फ्रूट्स काटने के और कुछ जड़े काटने के काम आते थे सम मे हैव बीन अटैच टू हैंडल ऑफ बोन और वुड ठीक है टू मेक स्पीयर्स एंड एरोज फॉर हंटिंग और कुछ वो है वही तीर कमान बनाने के भी काम आते होंगे और ये और कुछ जो है वो लकड़ी काटने के भी काम आते होंगे तो लकड़ी काटने के काम आ रहे हैं और जड़े निकालने के काम आ रहे हैं जानवर को मारने के काम आ रहे हैं फल फल को काटने के काम आ रहे हैं है ना तो जो टूल्स इन लोगों ने बनाए थे ना औजार वो कहीं कहीं कई सारी चीज़ों के काम आते थे चूजिंग अ प्लेस टू लिव मतलब रहने की जगह ढूंढना ऑल द प्लेस मार्क् विद रेड ट्रैंगल्स रेड से अभी दिखाएंगे वो है आर्क्योलॉजिस्ट ने बताई है कि जहाँ पर हमें हंडा गैदरर्स के रहने की रहने के एविडेंस मिलते हैं हंडा गैदरर्स और भी काफ़ी सारे प्लेसेस पे रहे थे ओनली सम जो है कुछ मैप में दिखाए गए हैं काफ़ी सारी साइट्स जो हैं वो नदियों के पास या झरनों के पास या समुद्र उसके आ, लेक्स के पास मिलती हैं तो जो ट्रायंगल से है ना रेड ट्रायंगल वो हमें बताता है कि यहाँ पे हंटर गैदरर रहा करते थे भीम बेट का भीम बेट का केव्स है मध्य प्रदेश में यहाँ पर हंटर गैदरर्स रहा करते थे और ये देखिए हंसकी हंसकी एक जगह है जहाँ पर हंटर गैदरर रहा करते थे कुरनूल केव्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो रेड में है ना आपके हंटर गैदरर्स कहाँ रहते थे ये बताते हैं आपको तो साउथ में हंसकी है और कुरनूल केव्स हैं जहाँ पर हंटर रह गैदरर रहते थे, थे। और यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश वाले रीजन में पड़ता है भीम बेट का हो गया तो एज द टूल्स वर इंपॉर्टेंट पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेसेज वे गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन वॉक्स ईजिल अवेलेबल क्योंकि टूल्स बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे क्यों क्योंकि अगर टूल्स नहीं होंगे तो फल कैसे कटेंगे जानवर को कैसे मारेंगे मांस को कैसे निकाल करके खाएंगे है ना तो टूल्स बड़े ज़रूरी थे अब हमने जैसे कि देखा भीम बेट का जो कि आज मध्य प्रदेश में है काफ़ी पुरानी साइट है जहाँ पर हंटे गैदर रहते थे और ये क्या है रॉक शेल्टर्स हैं रॉक शेल्टर मतलब नेचुरल केव्स बनी हुई हैं यहाँ पर नेचर नहीं नेचर अपने आप ना कहीं बार नेचर में केव्स बनी होती हैं गुफाएं बनी होती हैं और इसमें वो अपने बारिश से छुप जा से उन्हें आराम मिल जाता था हीट से विंड से कोल्ड से इन सब चीज़ों से बच जाते थे वो और वहाँ पर नर्मदा वैली थी नर्मदा नदी बहती थी तो आराम से उनको पानी भी मिल जाता था अब आती हैं रॉक पेंटिंग्स क्योंकि वो लोग जो वहाँ पर रहते थे वो कुछ खाली टाइम में पेंट वेंट भी कर लिया करते होंगे तो वो पेंट किया करते थे पेंटिंग किसकी किस चीज़ की है कि देखिए एक इंसान है वो जानवर डियर वगैरह कुछ को, जैसा कोई जानवर है इसके पीछे भाग रहा है मेनी ऑफ द केव्स इन विच दिस पीपल अर्ली पीपल लिव्ड है पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स तो बहुत सारी जो केव्स हैं जिसमें अर्ली पीपल रहे हैं बहुत सारी केव्स में हम लोगों को पेंटिंग्स भी देखने के लिए मिलती हैं कुछ बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं हमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से मिलते हैं ये पेंटिंग्स हमें बताती हैं कि वाइल्ड एनिमल्स कितनी ज़्यादा एक्यूरेसी से ड्रॉ करे गए थे ये देखिए यहाँ पर हमें पेंटिंग मिलती है ठीक है अब आगे आता है हमारा साइट्स साइट्स का क्या मतलब होता है ये ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पर रिमेन्स ऑफ थिंग्स मतलब टूल्स हो गए पॉट्स हो गए बिल्डिंग्स टूल्स मतलब औज़ार घड़े और बिल्डिंग्स वगैरह हमें मिलती हैं दीज वर मेड दीज वर मेड यूज एंड बिहाइंड बिहड द पीपल मतलब इनको बनाया गया था यूज़ किया गया था और फिर ऐसे ही छोड़ दिया गया और इनको हम लोगों को ज़मीन में हमें ये गढ़े मिले हैं और इसलिए हम इनको साइट्स कहते हैं मतलब जो पुराने औज़ार या बिल्डिंग्स वगैरह जहाँ पर मिलती हैं उनको हम साइट्स बोलते हैं फाइंडिंग उट फायर Caves. Caves हम लोगों ने कहाँ देखी थी साउथ में नीचे की तरफ हम लोगों ने देखा था ना कि कुरूल कहाँ पड़ता है तमिलनाडु वाले रीजन से को हमें देखने के लिए मिल रही है कुरूल केव्स है ना तो देखिए इसमें क्या बताते हैं कुरूल केव्स ट्रेसेज ऑफ एश है क्या मतलब है ऐश मिली है ऐश कब मिलती है जब आग लगती है तो कुरनूल केव्स में हमें ऐश मिली है राख मिली है राख मिली है इसका मतलब हमें क्या पता लगता है कि वहाँ के लोगों को आग जलाना आता होगा कि लोगों को वहाँ पे आग के बारे में पता होगा एज अ सोर्स ऑफ लाइट ठीक है वो कैसे इस्तेमाल करते होंगे आग का आग लाइट के लिए कि रोशनी हो जाए अंधेरे में मीट को पका लेते होंगे और आग से जानवर भी डर जाते हैं तो जानवरों को डराने के लिए भी आग का इस्तेमाल करते होंगे है ना अभी आता है नेम्स एंड डेट्स देखिए आर्क्योलॉजिस्ट आर्क्योलॉजिस्ट वो होते हैं जो हमें हिस्ट्री के बारे में बताते हैं तो इसमें हमें गिवन लेंथी नेम्स फॉर द टाइम दैट वी आर स्ट्राइंग काफ़ी बड़े बड़े नाम लिए हैं जो टाइम हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं पेलियोलिथिक पेली एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है पुराना लीथो का मतलब होता है स्टोन तो पेलियोलिथिक का मतलब हो गया पुराने स्टोन्स का टाइम तो पेलियोलिथिक पीरियड जो है वो कहाँ कब से कब तक है लगभग दो मिलियंस ईयर अगो टू अबाउट टू थाउजेंड ईयर अगो मतलब सॉरी 12,000 थाउजेंड 12, बारह हजार साल पहले से भी और पहले का समय मतलब दो मिलियन ईयर्स अगो तो बीस लाख हज़ार साल पहले बीस लाख हज़ार साल पहले से लेकर के बारह हज़ार साल पहले तक वाला जो टाइम है उसको हम लोग पेलियोलिथिक एज कहते हैं यानी कि पुराना स्टोन एज ये काफ़ी बड़ा टाइम है और इसमें इस पेलियोलिथिक एज को भी हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं लोअर मिडिल और अपर ठीक है दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम कवर 99% नाइन परसेंट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री मतलब जो ह्यूमन की हिस्ट्री का 99% टाइम रहा है उसमें तो हम लोग हंटर गैदरर्स की तरह ही रहे हैं मतलब ना ही हम लोग को खेती करनी आती थी ना ही हम लोगों को घर बनाने आते थे मॉडर्न सिविलाइजेशन जैसा कुछ भी नहीं था नाइन्टी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री में हम लोग जंगलों में जानवरों की तरह रहते थे ठीक है तो देख लीजिए आप लोग तो पीरियड Uh, मतलब दो लाख हजार साल पहले से लेकर के बारह हजार साल पहले तक का जो टाइम है वो पीलियोलिथिक टाइम है मतलब पुराना टाइम है दिस पीरियड वैन वी फर्स्ट वैन फर्स्ट एनवायरमेंटल चेंजेस बिगनिंग अबाउट बारह हज़ार साल पहले और फिर उसके बाद बारह हजार साल से लेकर के दस हज़ार साल तक का जो टाइम आता है ना उसको हम लोग मीजोलेथिक कहते हैं यानी कि मिडल स्टोन एज कहते हैं ठीक है स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टाइनी इस पीरियड में जो स्टोन टूल्स हमें मिलते हैं वो काफी छोटे छोटे होते हैं और हम उनको माइक्रोलिथ कहते हैं पेलियोलिथिक वाले टाइम में हमें काफी बड़े बड़े टूल्स मिलते हैं फिर जब हम लोग मीजोलिथिक में आते हैं तो एम से मीजो और एम से मिनी छोटा ठीक है फिर माइक्रो तो माइक्रोलेथ्स हमें यहाँ से मिलते हैं माइक्रोलेट्स फॉर प्रोबेबली स्टक ऑन हैंडल्स ऑफ बोन और वट टू मेक टूल्स सच एस सॉज एंड सिकल्स तो मतलब छोटे टूल्स बनाने लगे और उनको ज़्यादा शार्प बनाने लगे ताकि बहुत ही गहरा गड्ढा किया जा सके ठीक है अब नेक्स्ट एज आती है दस हज़ार साल पहले की जिसको हम लोग न्योलेथिक कहते हैं तो सबसे पहले आई पेलोलिथिक ठीक है पेलोलिथिक फिर उसके बाद आई मीजोलिथिक फिर उसके बाद आई नियोलेथिक ठीक है तो पेलियोलिथिक तो दो लाख हज़ार साल पहले से लेकर के बीस बारह हजार साल पहले तक आती है पीरियोलिथिक मीजो लिथिक जो है वो बारह हज़ार साल से लेकर के दस हजार साल तक के बीच में आती है और न्योलिथिक जो है वो दस हजार साल पहले वाली जो एज है उसको हम लोग न्योलिथिक कहते हैं न्यू का मतलब न्यू तो न्यू वाली जो एज आ गई थी ठीक है तो यही हम इसमें था अब आगे देखते हैं चेंजिंग एनवायरनमेंट लगभग 12000 हज़ार साल पहले जो है ना हमारे एनवायरनमेंट में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आने लगे थे अराउंड 12,000 थाउजेंड ई ईयर्स अगो काफ़ी मेजर चेंजेस आने लगे थे हमारे वर्ल्ड के क्लाइमेट में और हमारा जो वर्ल्ड है ना वो काफ़ी ज़्यादा रिलेटिवली वम मतलब अब काफ़ी गर्मी वाली कंडीशन रहने लगी थी काफ़ी सारे एरियाज़ जो हैं अब उसमें घास उगने लगी थी और घास उगे डियर के लिए खाना मिल गया तो डियर एंटेलोप गोड शीप कैटल एनिमल्स वगैरह अब इनको आराम से ये लोग जिंदा रह पाते थे घास पर ठीक है दोज हु हंटेड जो लोग इनकी हंटिंग करते थे उन्होंने इनको फॉलो करना शुरू किया यानी कि अब देखिए ये जानवर जैसे कि गोट शीप वगैरह घास बढ़ी तो ये जानवर बढ़े अब इन जानवरों को अब बहुत सारे इंसान अब इंसान था इंसान को ये जानवर खाते थे नहीं नहीं ये जानवर इंसान को नहीं खाते थे इंसान इन जानवरों को खाता था तो अब कि ये बहुत सारे होने लगे क्योंकि घास बहुत होने लगी तो इंसान भी इनको खाने लगे और इंसान भी होने लगे क्योंकि इंसान को मतलब खाना ज़्यादा मिलने लगा तो ज़्यादा रिप्रोडक्शन भी इंसान का होने लगा और इसी तरीके से हंटर गैदरर से लेकर के अब ये लोग रियरर भी बन गए मतलब न्योलिथिक एज वाले टाइम में जब बा, बारह हज़ार साल वाले के बाद अमीज़ोलित और न्यूलिथिक वाले टाइम में हम लोगों ने अब क्या किया इंसानों ने जानवरों को पालना भी शुरू कर दिया और फिशिंग हम लोगों ने रियरिंग ऑफ एनिमल्स भी करना शुरू कर दिया जानवरों को पालना भी शुरू कर दिया और फिशिंग भी हमने स्टार्ट कर दी बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग फार्मिंग और हर्डिंग का भी टाइम आया दिस वॉज ऑल्स ये टाइम था जब सेवरल ग्रीन बियरिंग ग्रास मतलब ग्रीन अनाज वाली जो ग्रास है जैसे कि वीट जो आज हम खाते हैं गेहूँ बाड़ले राइस ये भी नेचुरली जो है हमारे देश के कई सारे हिस्सों में उगने लगा था मैन वमेन चिल्ड्रन जो है इनको खाने की तरह इन्होंने कलेक्ट करना शुरू करा और इन्हें पता लगा कि भाई ये तो अच्छा है खाने में अच्छा लगता है तो फिर एक तरीके से इन्होंने दोबारा दोबारा इसको उगाना शुरू कर दिया और फिर लोग क्या बन गए एग्रीकल्चरिस्ट बन गए या फिर फार्मर लोग बन गए पीपल कोड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल्स बाई लिविंग फूड फॉर देम नियर द शेल्टर्स अब लोगों ने एनिमल्स को टेम करना शुरू करा टेम करना शुरू करा का मतलब है उन्होंने इस तरीके से जानवरों को अपने पास पुलाना शुरू करा ताकि जानवर उनके पास आएँ उनके पास रहें तो एक तरीके से तो वो पालतू जानवर भी बन गए उनके और दूसरा जब उन्हें खाने की ज़रूरत होगी तो उस उन जानवरों को वो खा लेंगे है ना तो द एनिमल्स टू बी टेम वॉज द वाइल्ड इंसेस्टर ऑफ डॉग तो सबसे पहला एनिमल जो कि टेम किया गया था मतलब जिसको अपने पास रखा गया था इंसानों के द्वारा वो आज का जो डॉग है उसका वाइल्ड इंसेस्टर था मतलब जंगली कुत्ता समझ लीजिए आप वो था लेटर पीपल इंकरेज एनिमल्स दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैम्प वेयर दे लिव्ड फिर और जो शांत जानवर थे उनको भी इंसान अपने पास रखने लगे ये एनिमल जैसे कि शीप हो गया गोट हो गया गाय भैंस हो गए पिग हो गए है ना इनको अपने पास रखने लगे और ज़्यादातर ये जानवर जो हैं वो इंसानों के लिए हार्मलेस होते थे क्योंकि ये तो खास खाते थे Often पीपल प्रोटेक्टेड these एनिमल्स from अटैक्स बाय अदर वाइल्ड एनिमल्स दैट इज दिस इज हाउ दे बिकम herders. और फिर लोगों ने एग्री सबसे पहले एग्रीकल्चर आया सबसे पहले तो हंटर गैदर थे फिर एनवायरनमेंट पे चेंजेस आने लगे फिर थोड़ी थोड़ी फसलें वगैरह उगाने लगे फिर ये जानवरों को पालने लगे और दूसरे जंगली जानवरों से जो है इन जानवरों को बचाने लगे और इस तरीके से हर्डर्स हम बन गए हर्डर्स मतलब जानवरों को पालने वाले हम धीरे धीरे बन गए ठीक है डोमेस्टिकेशन डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है जानवरों को पालना तो इट द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लान्ट एंड लुक आफ्टर एनिमल्स डोमेस्टिकेशन का मतलब है लोग जहाँ पर पौधे वगैरह उगाते हैं और जानवरों को पालते हैं वेरी ऑफन जो है प्लाट्स एंड एनिमल्स आर टेंडर्ड बाई पीपल बिकम डिफरेंट फ्राम वाइल्ड प्लाट्स एंड एनिमल्स तो जो इंसान पालने लगता है जानवरों को और पेड़ पौधों को वो जंगली जानवरों से पेड़ पौधों से काफ़ी ज़्यादा अलग हो जाता है क्यों क्योंकि जो लोग हैं ना वो ऐसे ही ब्रीड्स को एनिमल्स को सेलेक्ट करते हैं डोमेस्टिकेट करने के लिए जो आराम से उनके साथ रह सकते हैं जिसमें बीमारियाँ ना हो और जो अच्छी फसल दे और जो स्ट्रॉन्ग हो कैपेबल हो इस तरीके की ही फसल इंसान फसल या फिर जानवर इंसान जो है वो चूज़ करता है तो यही हमें इस वाले चैप्टर में मतलब इस बॉक्स में और ये ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ही बताया गया है न्यू वे ऑफ़ लाइफ अब देखिए इंसान फसल भी उगाने लगा उसने जानवर पालना भी शुरू कर दिया तो उसकी लाइफ काफ़ी ज्यादा चेंज हो गई इफ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो अब आपने अगर कोई बीज उगाया है बीज आपने डाल दिया जमीन में तो फसल आने में या फिर प्लांट को बड़ा होने में काफ़ी ज्यादा टाइम लग जाता है दिस वे दिस में भी सेवरल डेज कुछ समय लग जाता है वीक्स या फिर महीने भी लग जाते हैं या फिर कई बार साल भी लग जाते हैं वेन पीपल बिगिन ग्रोइंग प्लांट्स जब लोगों ने प्लांट्स उगाना शुरू कर दिया इट मीन दैट दे हैड टू स्टे इन द प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग आफ्टर द प्लाट्स वाटरिंग वीडिंग ड्राइविंग अवे सम एनिमल्स एंड बर्ड्स टिल द ग्रीन ड्राई पेंट तो फिर अब लोगों ने जब प्लांट उगाना शुरू करा तो हमें पता है कि प्लांट को उगने में टाइम लग जाता है तो अब लोग एक जगह पर रहने लगे क्योंकि अब उनको फसल उगाना आ गया था तो उनके खाने की टेंशन ख़त्म हो गई थी फिर उन्होंने जानवरों को पालना भी शुरू कर दिया था तो वो मार के खा लेते थे तो अब वो एक जगह पर टिक करके रह सकते थे तो उन्होंने फसलें और उगाना शुरू करा फिर फसल को वो पानी देना होता था उनको और वीडिंग करनी होती थी मतलब जो हार्मफुल प्लांट्स वगैरह उगए होते थे उनको निकालना होता था जंगली जानवरों से बचाना होता था इसी तरीके से Uh, फसल जब तक पकना जाए उनको वहीं रुकना पड़ता था तो वहीं पर रहना उन्होंने एक जगह पर शुरू कर दिया एस ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड पीपल हैड टू थिंक ऑफ फेज ऑफ स्टोरिंग इट अब फसल उगने लगी तो लोगों को अब लगा कि अब इसको स्टोर कैसे किया जाए तो काफ़ी सारे एरियाज में उन लोगों ने घड़े क्ले के घड़े बनाने शुरू करे और या फिर वो बड़े बड़े गड्ढे घो दिया करते थे ग्राउंड में ताकि जो फसल वो उगा रहे हैं उसको स्टोर करके रखते या फिर वो बास्केट वीव कर लेते थे बास्केट पत्तियों वगैरह से बुन भी लेते थे अब स्टोरिंग एनिमल्स एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली एनिमल्स जो है वो रिप्रोडक्शन के बाद अपने बच्चे पैदा कर देते हैं है ना अगर उनका ध्यान अच्छे से रखा जाए तो वो मिल्क भी देते हैं और जो कि काफ़ी अच्छा सोर्स है फ़ूड का तो मिल्क से उनको न्यूट्रिशन मिल जाता था मीट मिल जाता था जब भी उनको ज़रूरत पड़ती थी इन वर्ड्स एनिमल्स दैट आर रियर्ड कैन बी यूज एज अ स्टोर ऑफ फूड तो एनिमल जिनको पाला जाता था वो खाने की तरह यूज में आ जाते थे एक इंसान के जो उनको पाल रहा था ठीक है अब मैप टू में फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स के बारे में अगर हम पता करें वीडियो बड़ा हो गया है काफी अब नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं आगे का चैप्टर ठीक है थैंक यू